अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो तुम्हारी नाराज़गी गलत नहीं है अगर तुम अपने आप से बेचैन से हो तो तुम्हारी वो बेचैनी गलत नहीं है अगर तुम खुद से परेशान हो तो तुम्हारी वो परेशानी गलत नहीं है और अगर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी झुंझल झुंझलाहट है तो वो झुंझलाहट गलत नहीं है और इसका कारण यह है कि तुमने थोड़े समय के लिए नहीं बहुत लंबा समय हो गया है तुम्हें ये सब कुछ सहते सहते जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी जिसके बारे में कभी तुमने सोचा ही नहीं था मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा सब्र गलत है तुमने बहुत सब्र किया है जितना सब्र कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता तुम्हारे जैसा महत्वाकांक्षी बच्चा कभी नहीं कर सकता तुम्हारे अंदर का सब्र अब जवाब देने लग गया है तुमने कल्पनाएं कुछ और की थी तुमने सोचा कुछ और था तुम चाहते कुछ और थे और मिला कुछ और तुम्हें पता है तुम महत्वाकांक्षी हो मैं इस चीज़ को कभी गलत नहीं कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम महत्वाकांक्षी बनो क्यों क्योंकि तुम्हारी एक मर्जी है कि तुम जो भी चाहते हो तुम अपनी मेहनत से चाहते हो तुम किसी के हक का नहीं चाहते हो और यही कारण है कि मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षी स्वभाव को कभी गलत नहीं कहता हूँ तुम कभी बेईमानी से कुछ भी कमाना नहीं चाहते हो तुम कभी किसी को ठेस पहुँचा कुछ भी अर्जित नहीं करना चाहते हो और यही कारण है कि मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ मैं तुम्हारे महत्वाकांक्षी स्वभाव का सम्मान करता हूँ मैं तुम्हारे स्वावलंबी स्वभाव का सम्मान करता हूँ तुम्हारे अंदर जितना स्वाभिमान है मैं उस स्वाभिमान को सलाम करता हूँ और मुझे पता है कि आज जो तुम इतना छटपट आ जाते हो आज जो तुम इतनी झुंझलाहट में आ जाते हो उसकी वजह भी मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सब चीज़ें अब निकट भविष्य में ठीक होंगी इंतज़ार तो करो और यकीन तो करो जब सब कुछ तुमने किया है तो फिर आज इतना यकीन रखो कि सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और सब काम तुम्हारे पूरे होंगे मुझे पता है कि समय लग रहा है लेकिन इतना समय नहीं लगेगा कि तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाए हर चीज़ बहुत जल्दी होगी और जो तुम अपना दिनचर्या की हुई है उस दिनचर्या में परिवर्तन क्यों कर देते हो अपनी वो दिनचर्या उसी हिसाब से रखो जिस हिसाब से तुम रहते हो सुबह मंदिर जाओ ध्यान लगाओ पूजा करो और उसके बाद घर पे आके फिर दिनचर्या अपनी शुरू करो सुबह का जो तुमने मंदिर जाना छोड़ा हुआ है उसको फिर से शुरू करो वहाँ से तुम्हें बहुत ही फलदाई परिणाम प्राप्त होंगे यकीन मानो करके तो देखो एक बार सब चीज़ें तुम्हारे पक्ष में होंगी खुश रहो सदा खुश रहो